यार रात मुझे एक सपना दिखा। सपना दिखा? हाँ, उस सपने में तुम जंगल में मजे से घूम रहे थे। अच्छा, मैं जंगल में मजे से घूम रहा? हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। काश ऐसा होता, मैं घूमता जंगल में। खुशी की बात है? वैसे अकेले घूमने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यार सपने में ही तो घूम रहा था। अच्छा, अकेला घूमना चाहते हो? तो यार मैंने ऐसा तो नहीं कहा। दुखी हो गए हो ना मुझसे, मेरे साथ रह रहे कि दुखी हो गए हो, तो सपने में इसलिए अकेले घूम रहे हो। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पागल हूँ ना, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। अब मैं घुमाऊंगी तुझे सपने में। अरे भाई तू नाराज की हो रही है, वैसे मैंने भी परसों एक सपना देखा था। बताऊं? हाँ हाँ बताओ, तुमने क्या सपना देखा था? और मैं भी जंगल में ही घूम रहा था। अच्छा, और मेरे सामने आ गया शेर। फिर क्या हुआ जी? फिर क्या होता, मेरी उसकी दोस्ती होगी, शेर शेर की दोस्ती हो ही जा। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, गलती से वहां तू भी आ गई। अच्छा मैं भी आ गई। हाँ। बताओ फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, कटाकट कटाकट कटाकट। ये क्या कटाकट कटाकट? अरे यार वो शेर तुझे ही खागा और ने कर दिया तेरे टुकड़े टुकड़े टुकड़े। अच्छा शेर मुझे खा गया और तुम देखते रहे, तुम कहां थे? अरे यार मैं लकड़ी इकट्ठा करने चला गया था तेरी चाय बनाने के लिए, बाद में गड़बड़ कर गया हूँ, अन्य उसकी हिम्मत थी मेरे सामने तुझे खा जावे हूँ। अच्छा अभी तो थोड़ी देर पहले तुम ये कह रहे थे कि शेर तुम्हारा दोस्त है, अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो उसने मुझे खाया कैसे? अरे यार तुझे क्या बताऊं, मुझे तो बाद में पता पड़ा ये शेर भी ना कुत्ते की तरह वफादार हो हैं, और उसने अपना काम कर ही दिया। अच्छा तो उसने मुझे खा के दोस्ती निभा दी, इसका मतलब तुम यही चाहते थे ना? अरे तू गुस्सा क्यों हो रही है, सपना ही तो था, सच तो नहीं? अब खाना भी नहीं बनेगा क्योंकि मुझे तो शेर खा गया। अरे सुन तो यार, बाहर तो गर्मी बहुत है और एक ये एसी, अब तो बिजली का बिल भी डबल ही आएगा। हाँ ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, सारे खर्चे डबल हो गए। पहले मेरा 120 रुपए का हो जाता था लेकिन अब 500 रुपए में होता है। वो कैसे? पहले मेरा 120 रुपए के क्वार्टर में मौसम बन जाया करता था लेकिन अब मुझे चार चार कैन लेनी पड़ती है, वो भी से गर्मी की वजह से, तो खर्चा तो डबल हो गई। अच्छा जी। अरे यार मुझे ठेके पे से पहली बियर लाकर रखनी पड़े क्योंकि वो गर्म रहे, अब फ्रीजर में दर्द हो तो वो ठंडी हो जाओ क्योंकि ठेके वाले गर्म ही रखे हैं। अब कहाँ चले? अरे चलता का तुझे पता ही ना है, वो बोतल मुझे पहले लाकर रखनी पड़े फ्रीज में क्योंकि गर्म मिले हैं, अब मैं ले आऊं जल्दी से। बेवड़ों का भी कुछ नहीं हो सकता।